नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। भदोही में 20,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। लेखपाल अनुराग चौधरी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। तहसील परिसर भदोही स्थित आवास के गेट से हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ मीट फैक्ट्री में गैस लीकेज के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही और समय से पुलिस को सूचना ना देने के आरोप में 6 गिरफ्तार। टेक्निक सुपरविजन की कमी और लापरवाही, खराब मेंटेनेंस की शिकायत। आईपीसी की धारा 308 समेत विभिन्न एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज। संत कबीर नगर में जनपद स्तरीय किसान मेले का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डीएम प्रेम रंजन सिंह। किसानों को बीज देकर उत्पाद बढ़ाने की दी गई जानकारी। कृषि विभाग समेत विभिन्न विभागों ने लगाया स्टॉल। आगरा में महापौर नवीन जैन ने आगरा मेट्रो के अधिकारी को जमकर लगाई फटकार। फतेहाबाद रोड पर सीवर चौक और जलभराव की समस्या को लेकर किया था निरीक्षण। गंदे पानी का जलभराव देख महापौर हुए नाराज। घरों में घुसा गंदा पानी। अलीगढ़ में अग्रसेन जयंती को लेकर बनाए गए स्वागत द्वार नगर निगम ने तोड़े। आक्रोशित वैष्णव समाज ने अपर नगर आयुक्त को घेर कर जमकर किया अभद्रता। कठपुला चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। अपर नगर आयुक्त को निलंबित करने की मांग पर अड़े हैं लोग। पीलीभीत में 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है धान की खरीद। जिला प्रशासन ने किया वर्कशॉप का आयोजन। जिलाधिकारी एडीएम एसडीएम तहसीलदार लेखपाल समेत धान के सेंटर चलाने वाले लोग रहे मौजूद। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलेगी खरीद। गाजियाबाद में सिक्योरिटी चेकिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बाराबंकी में वकील और मुवक्किल के बीच जमकर हुई मारपीट। रामसनेही घाट तहसील में वकील और किसान के बीच जमीन को लेकर बेनामा को लेकर हुआ था विवाद। विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे। माना में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकेश निषाद के भतीजे को बुलेरो ने मारी टक्कर। हादसे में राज्य मंत्री के भतीजे की हुई मौत। खेत से वापस लौटते समय हुआ हादसा। जानकारी मिलते ही परिजन आनंद फानंद में ले गए जिला अस्पताल। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ललितपुर में दलित महिला पर बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन का दबाव। महिला ने एक युवक पर लगाया ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने का आरोप। युवक पर 7 माह से यौन शोषण करने का भी आरोप।